व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस मैं आज ले आ चुका एक अमेजिंग टाइप का फोटो एडिटिंग, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो बिना वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मॉडल का जो बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लेना। मैं पहले से बैकग्राउंड इरेज कर चुका हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को हम यूज करेंगे पिक्सार्ट ऐप में। तो गाइस ये बैकग्राउंड मैं खुद से ही बनाया है, तो अगर आपको चाहिए इस बैकग्राउंड तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को हम पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेते हैं। तो गाइस हमारा बैकग्राउंड पिक्सार्ट ऐप में ओपन हो चुका है। तो इसके बाद हम जो हमारा जो बैकग्राउंड इरेज वाला मॉडल का जो फोटो है उसको हम ऐड कर लेंगे इधर। तो गाइस मैं ऐड कर चुका हूँ, तो इधर से मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। तो ऐड हो चुका है हमारा फोटो। तो गाइस इसके बाद एक हम जो रॉक का यानी जो पत्थर का जो पीएनजी है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो गाइस जो भी ये पीएनजी मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ पत्थर का पीएनजी। तो गाइस मैं ऐड कर चुका हूँ पत्थर का जो पीएनजी है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको हम डन कर देंगे। तो इसके बाद हम एक बर्ड का पीएनजी लेंगे। तो गाइस मैं जो भी पीएनजी यूज़ करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ। तो इसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस मैं कुछ इस तरह से ऐड कर चुका हूँ, इसको हम डन कर देंगे। तो इसके बाद हम आएंगे इफेक्ट टूल पर, और इफेक्ट में आने के बाद जो ब्लर है ब्लर को टैप कर देंगे, इधर से हम मोशन ब्लर कर देंगे। उसके बाद हम इरेज टूल पर आ जाएंगे और इधर से हम इसको टैप कर देंगे, और यहाँ पर पेन टूल को सिलेक्ट करके हम जूम करके बट के ऊपर इस तरह से हम ये कर देंगे, ब्रश कर देंगे इस तरह से। तो सिंपली इसको हम डन कर देंगे इधर से, और इसको हम सेव कर लेंगे हमारा गैलरी में। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे लाइटरूम ऐप में। तो गाइस ऐड हो चुका है हमारा फोटो लाइटरूम ऐप में। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इस कट टूल पर, और इधर से मिक्स, और जो रेड है रेड का ह्यू थोड़ा कम कर देंगे, लुमिनेंस को बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को थोड़ा दे देंगे, और इधर जो ऑरेंज है ऑरेंज का सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे, और लुमिनेंस को इस तरह से इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद जो योलो है योलो का ह्यू थोड़ा ही कम, और लुमिनेंस को बढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो ग्रीन है ग्रीन का तो इधर कोई काम नहीं है, तो इसके लिए हम ग्रीन को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इधर से सिंपली आ जाएंगे ब्लू टोन पर, और जो इसका ह्यू है करीब -46 के आसपास रखते हैं, और सिचुएशन को दे देंगे करीब 37, और लुमिनेंस को थोड़ा कम कर देंगे। और इधर से टिंक कलर पर आ जाएंगे, सिचुएशन करीब 59 कर देंगे, इसके बाद डन, और टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे करीब -4, और टिन को इधर उधर करके देखते हैं कहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो मैं टिन करीब रखता हूँ -11 के आसपास, और जो वाइब्रेंस है वाइब्रेंस को दे देंगे करीब 35, और सिचुएशन को थोड़ा ही कम। तो इसके बाद हम आ जाएंगे सन टूल पर, और इधर से एक्सपोजर थोड़ा दे देंगे, और कंट्रास्ट भी थोड़ा ही दे देंगे, और हाईलाइट कम करीब -59 53, और जो शेडो है शेडो को करीब 18 के आसपास देते हैं, और वाइट को दे देंगे करीब 25, और ब्लैक को कर देंगे करीब -23। और इसके बाद हम आएंगे बिगिनी टूल पर, और इधर से क्लियरिटी को दे देंगे करीब 30 के आसपास रखते हैं, और जो डीएस है उसको हम डीएस को हम कर देंगे 8 पर, करीब 8 रखते हैं। और इसके बाद हम आएंगे बिगिनिटी पर, और बिगिनिटी को दे देंगे करीब -34, और इधर से सब कर देंगे हर फोटो एडिटिंग के तरह, नॉइस कर देंगे 27, कलर को भी करीब 33। तो गाइस फोटो एडिटिंग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और वीडियो ज़्यादा से अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि हमारा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो इसके लिए दिल से थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।